इतने दिल से खुश है, इसे कहते हैं भाव, प्यार का भाव। आपसे मुलाकात, टीवी वगैरह में काम करते हैं? हाँ, आपको याद है? सुगैस देखिए, तकरीबन 12-13 साल वाली बिंदी जी को सब याद है। फोन टीवी की याद आ रही है अब? नहीं ना, मजा आ रहा है? अरे जला बताओ, सुबह में माँ और पिता के प्रणाम करते हैं? वाह वाह वाह, नहीं करते हैं? हाँ, यहाँ आए थे हम। 13 में आपदा आई थी ना? हाँ जी। 13 में हमने फिर ये शिवलिंग की स्थापना किया था। सारे उल्टे काम करता है, नाली साफ करने का है। सो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, यही वो पुल है जहाँ पे मैंने शादी करके अभिनव के साथ उतरी थी। मतलब शादी करके हम इसी पुल से वापस आए थे और इसी पुल पे मैंने वीडियो भी बनाए थे, फोटो भी खींची थी। वही सेम यहाँ पे झरना था। हम यहाँ रुके थे ना थोड़ी टाइम। हाँ, यही सेंटर है। हाँ, चले जल्दी। ये है यहाँ पे, बहुत तेज हवा चलती है यहाँ से। आते वहाँ लगा रहा, हवा नहीं आ रही ना, क्या कितनी तेज हवा है। फिर से एक बार आपको बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन करा रही हूँ। आपके भी अच्छे भाग हैं यार, हर व्लॉग में आपको दिख ही जाते हैं कोई ना कोई अच्छे धाम। सो गाइस, ये रास्ता जाता है गांव की तरफ, गांव से हम निकलेंगे पहाड़, नारायण पर्वत। ये है नारायणी दादी मंदिर। क्या पढ़ती हो बेटा, तुम क्या पढ़ते हो? अच्छा ये बताओ, आपको पता है हमारी शादी इसी मंदिर में हुई 2012 में। अरे वाह, अंदर पहली और आखिरी शादी है। जी जी जी, वहीं पर। और जिस दिन मुझे यहाँ पर आए, और 2012 में 29 अप्रैल सुबह 9:35 में मुझे लक्ष्मी का पूरा श्रृंगार मिला। और ये लक्ष्मी आ गई। हाँ, 2016 में सेम दिन, सेम मतलब वो शुक्रवार का दिन था, 29 तारीख थी, सुबह 9:35 पे पैदा। वाह लक्ष्मी, वाह 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 वाह, वाह करी है लक्ष्मी। हाँ, नहीं हमें भी ऐसा, इसलिए इसको दर्शन कराने लाए हैं। कि कल को बद्री, अगर नारायण कहते ना लुप्त तो हो जाएगा, उससे पहले ये दर्शन कर ले अपने घर के। मेरे लिए तो पिताजी हैं मतलब नारायण, ये वहाँ से लक्ष्मी मिली है। बहुत 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 देखा दर्शन नहीं, नहीं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद जी। ये लक्ष्मी आ गई, वो नारायण जी आ गए। इसको तो मैं शंख कहती हूँ, लक्ष्मी का भाई शंख था ना, जिस दिन ये पैदा हुई है ना उसके उल्टे भाव में ये पैदा हुआ है, इसका राक्षस देव। वो देखो गई 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 वहाँ पे, इधर आओ, इधर इधर दोनों ही। लक्ष्मी नारायण आपके यहाँ आ गए भाई, आप दर्शन कीजिए आप लोग। जी धन्यवाद पंडित जी। हम तो 6-7 दिन से यहीं पर, हम वृंदावन गए ना, 11-12 दिन में रह के हो गया। हाँ, देख लो अभी हम यहाँ पे छठा दिन है, अभी हम 6 दिन से रह रहे हैं। जी 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 जी, लोग हम भी देखते हैं होटल में, होटल में टच करके फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं। जी जी, लेकिन हम जब पॉइजन है, पॉइजन मजा नहीं आता। जी जी जी, बस ये कि भगवान की कृपा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं और से तो अच्छा है, कहीं पब वब जिसको भी अच्छा ये अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये समझ लीजिए, जितना हो धन दौलत तब भी कमाए, लेकिन एक तो जाना ही है, एक न एक दिन जाना है दुनिया से। हाँ, तो क्यों नहीं हम लोग अच्छा कर्म करें। अच्छा कर्म, छोटे कदम बढ़ाओ सही हो जाएगा। गाइस, क्या स्विट्जरलैंड होगा यार, हमारे हमारे पहाड़ों के सामने क्या स्विट्जरलैंड है बताओ मुझे, है बढ़िया। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं स्विट्जरलैंड जाने के। अरे भगाओ माँ, भाग जाएगी वो, मत जाओ आगे। अब आप यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है आपको, बताइए ना, है बढ़िया एकदम। हाँ हाँ, क्या मजेदार है यार। मम्मा थोड़ी देर इधर ही बैठो, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। कितना अच्छा है ना, इससे और अच्छा कौन सा नजारा है। हाँ, इससे अच्छा क्या ही नजारा आएगा। सो गाइस, देखिए बच्चे कैसे मजे ले रहे हैं पहाड़ों पे, ये है लाइफ। क्या फोन टीवी है ना, अब याद आ रही है फोन और टीवी की, फोन टीवी की याद आ रही है अब।
नहीं ना मजा आ रहा है? अरे जला लेना बेटा, आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं है, लाइटर भी कुछ भी नहीं है। गाइस कितना बढ़िया, देखो ना कैसे गैया चल रही है यहाँ पे, वाह। वो देखो ट्रिक आती है तुम्हें, वाह क्या बात है। अच्छा आदि मानव वाली कला आती है तुमको, चलो अच्छी बात है। ये पहाड़ों की खूबसूरती, रो रहा है, माँ ने मारा है ना इसको, हाँ इसकी माँ ने इसे ठुंडी देके मारी, ठुंडी माली ठुंडी चुंदुंदी थुंदी थुंदुंदी। अचानक से पहाड़ों का मौसम हो गया बहुत ही खतरनाक वाला, ये जब तक मार नहीं खाएगी ना प्यार करोगी ये ठुंडी मारोगी। चल 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 बेटा मार देगी, नीचे गिर जाओगे। चलो देखो कितनी प्यारी है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। अचानक से मौसम बदला, देखो पीछे के पहाड़ों का नजारा देखो आप। गईया आराम से खड़ी, भाई कहा कब आना होगा, मतलब हर साल आएंगे हम, जाने से पहले आने की तैयारी। देखो मुझे तो पहाड़ बहुत पसंद है, लेकिन ये जो काले काले बादल आ रहे ना, ये देख के लग रहा है आगे तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। चलो पर चलो चलो, लेट हो रही है, तुम लोग एक काम करो, तुमने चलना नहीं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई। गाइस बहुत ऊपर जाना है, उस पहाड़ के भी पीछे जाना है हमने, गिरेंगे। जाओ तुम जाओ, चलो चल चल। अरे यार चल, अरे इधर से जा, हाँ तू इधर से। सो गाइस ट्रैक करते हुए ऊपर तक आए हैं, वो भी चप्पलों में, कोई शूज नहीं है हमारे पास। अब पीछे का नज़ारा देखो, ब्यूटीफुल यार। ये पूरा पहाड़ कवर करना है गाइस, अभी पूरा पहाड़ कवर करना है अभी। पहाड़ों पे कितने सुंदर सुंदर फूल खिले गाइस, वाइट हैं पिंक हैं। कितनी ऊंचाई पे आ गए यार, वाह। हमारा होटल वहाँ है। सो गाइस इस हनुमान गुफा में हम 2012 में आए थे और आज इतने टाइम बाद आए। देखो कैसे उतर रही है, कैसे उतर रही हो यार? नहीं मैं सरदार नहीं हूँ, ये पंडित है। अच्छा पंडित है, अच्छा अच्छा। आप लोग तो जो दिल्ली यूपी, आप लोग टीवी वगैरह में काम करते हैं? हाँ हाँ, अरे आपको याद है। तो गाइस देखिए तकरीबन 12-13 साल वाले पंडित जी को सब याद है और हमें उम्मीद थी दोनों आए थे। हाँ शादी होने के बाद भी तुरंत आए थे। गाइस ये है हनुमान गुफा, ये शिवलिंग है, शिव जी के दर्शन करते हैं। ये शिव पिंड है, 12 साल के बाद आप आए हो, बच्चे हो गए ना अभी, जिस टाइम हमने शादी किया ना उसी टाइम उसी समय सब कुछ सही है, ये लड़की उस टाइम पैदा हुई है, तो हमें लगता है एक बार दर्शन करा दें। जाने अंदर आओ बेटा, इधर से प्रणाम कर लो, इधर से करो, तो नहीं जाते। जय जय बेटा, नहीं चलो अंदर अंदर चलो। ये हनुमान गुफा, हाँ यहाँ आए थे हम। 13 में आपदा आई थी ना? हाँ जी। 13 में हमने फिर ये शिवलिंग की स्थापना किया था। अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ था ना, बद्रीनाथ में तो कुछ नहीं हुआ, रास्ता वगैरह टूटा था। अच्छा, और क्या नाम है, वैसे रोड ब्लॉक था यहाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, नीचे बैठो यहाँ पे नीचे। स्थिति में जिसमें हमने 12 साल पहले दर्शन किए थे और पंडित जी भी आज भी वैसे के वैसे दिखते हैं। पुरानी फोटो मेरी ये वाली ना, हाँ पैसे थे पहले, 15 साल पहले की फोटो है, ऐसे थे आप, आज भी आप वैसे ही दिखते हो। थोड़े से बस बदले, लेकिन पंडित जी ने पहचान लिया, वो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। उससे पहले मैं क्या 2-3 दफा शायद आ पाए, पहले भी आके गए हम, शादी से पहले भी आए तो 1-2 दफा, लंबे समय बाद आए, 2-3 साल के बाद चक्कर लगाते रहते थे। तो कोई सोच नहीं सकता कि इतनी ऊपर आके इनको छुपा छुप मिलेगा, दिया पंडित जी ने।
चलिए बातें करते हैं। हमें उल्टे सीधे काम नहीं करते। नहीं आप अब नहीं, आप अब नहीं। हरिद्वार में भी नहीं रखा हुआ जहाँ बिजली है। अच्छा, वहाँ में डेक्सर नहीं रखा हुआ, वहाँ गैस सिलेंडर है अपना, रखने को रख सकते हैं क्योंकि बिजली का बिल तो अभी भी यहाँ भी भरना पड़ा, बंद में ही भरना पड़ता है। सो गाइस, पंडित जी हमारे लिए बना रहे हैं चाय, हमारे लिए क्योंकि हम 12 साल बाद सब मिल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्यार भाव। इतने दिल से खुश है, इसे कहते हैं भाव, प्यार का भाव। आपसे हम पहाड़ के कहां ऊपर है आपने देखा, पंडित जी ने आज भी पहचान ली, बड़ी बात। सो गाइस, पंडित जी को अब यहाँ से अब हम निकलते पंडित जी के यहाँ से, पंडित जी को बाय बाय करने का टाइम आ गया। बहुत अच्छा लगा पंडित जी, चाय बहुत स्वादिष्ट थी। चलो ठीक है बहन जी, आशीर्वाद जी, अगले साल मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड हवा तो कम हो गया।